तो हेलो गाइस, वेलकम टू वेंट सॉफ्टवेयर्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे WS अंडरबॉट सॉफ्टवेयर को कैसे हमें बाई करना है और कैसे इसको हमें इंस्टॉल करके यूज करना है। तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर को बाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आ जाना है ventsoftwares.com वेबसाइट पर। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं WS अंडरबॉट की, और आप इसको 499 रुपीज़ में लाइफ टाइम तक के लिए ले सकते हैं। साथ ही साथ इस सॉफ्टवेयर को आप रीसेल भी कर सकते हैं। इसके और ज़्यादा बेनिफिट्स जानने के लिए आप लर्न मोर के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको हमारी एक वीडियो मिलेगी, और इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है इस सॉफ्टवेयर के क्या क्या फ़ायदे हैं जिनसे आप अपने मार्केटिंग को अच्छा कर सकते हो। तो यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स भी लिखे गए हैं, आप डिटेल में यहाँ पर ये चीज़ें देख सकते हो। और इस पेज पर जैसे ही आप आते हैं तो आपको 30 मिनट का एक ऑफ़र दिया जाता है, जिसमें आपको ये सॉफ्टवेयर 499 रुपीज़ में मिलता है। अगर आप ये डिले कर देते हो तो ये सॉफ्टवेयर का प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसीलिए रिकमेंडेड है कि आप 30 मिनट के अंदर इस सॉफ्टवेयर को परचेज़ कर लें, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो। यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर के बेनिफिट्स, इसको कैसे यूज करना है, क्या क्या फीचर्स हैं, इनके सारे डेमो वीडियोज़ हमने डाल रखे हैं, जो कि हमने अपने YouTube चैनल पे भी डाल रखे हैं। अगर आपके कुछ भी अदर क्वेश्चंस हैं तो आप एक बार FAQs को जरूर पढ़ लें ध्यान से। सारे क्वेश्चंस के ऑलमोस्ट आंसर हमने यहाँ पर कर रखे हैं। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को बाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम डालना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम डाल दिया। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, तो यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी। एंड देन आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। और मोबाइल नंबर जैसे ही आप डालते हैं, यहाँ पर शायद कभी आपको कंट्री भी सेलेक्ट करना पड़ सकता है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इंडिया, एंड आई थिंक बाकी चीज़ें सही हैं। तो मैं गेट इंस्टेंट, यहाँ पर इंडिया लेना पड़ेगा, ये मैंने ले लिया इंडिया। और अब गेट इंस्टेंट एक्सेस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट इंस्टेंट एक्सेस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास पेमेंट पेज ओपन होकर के आएगा। इस पेमेंट पेज में आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डाल करके पे नाउ पर क्लिक करके आप बिल्कुल सेफ तरीके से अपना गूगल पे, फ़ोन पे, QR कोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सारे ऑप्शन मिलते हैं। रेजर पे के द्वारा पूरी तरीके से सिक्योर्ड पेमेंट है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिक आपके ईमेल पर जो मेल आप आईडी यहां पर डाले रहेंगे उस पर आपका सॉफ्टवेयर डिलीवर हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमारे पास एक मेल आया हुआ है, वेंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड WS अंडरबॉट करके। और जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर WS अंडरबॉट डाउनलोड लिंक का ऑप्शन मिलेगा, और जैसे आप डाउनलोड नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक परचेज कोड भी दिया गया है। ये परचेज कोड आपको तभी मिलेगा जब आप इस सॉफ्टवेयर को हमारे से बाई करते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ और भी डिटेल दी गई है, कुछ आपको डेमो वीडियोस हैं, कुछ बोनसेस हैं, ये सारी चीज़ें आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी डाउनलोड लिंक आपको नीचे देखने को मिल जाएंगी। यहां पर जैसे ही ये सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड हो जाता है, ये एक जिप फाइल है, और जैसे ही ये जिप फाइल हमारी डाउनलोड हो जाएगी तो हम इसको कर लेंगे एक्सट्रैक्ट। ये सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड हो गया है। हम डाउनलोड्स में आएंगे, यहाँ पर देखेंगे हमारा जिप फाइल है। अब हमें इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे। एक्सट्रैक्ट करते ही ये हमारा सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट होने लगा है, और जैसे ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा देन उसके बाद हम अपना इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। ये हमारा सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट हो चुका है, WS अंडर के नाम से है। आप देखिए तो यहाँ पर आपको ना काफ़ी सारे फोल्डर्स दिखेंगे। एक तो कीजन नाम से फोल्डर दिखेगा, एक कोड हेयर के नाम से दिखेगा, और एक दिखेगा ऐप हेयर के नाम से। तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम के लिए इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप ऐप हेयर पर जाइए, और यहाँ पर आपको सेटअप नाम से एक फोल्डर मिलेगा, और इसमें आपको सेटअप मिलेगा। आप इसको जस्ट डबल क्लिक कर दीजिए और उसके बाद में आप अपना इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ प्रोटेक्शन का आ रहा है, तो आप मोर इन्फो पर क्लिक करिए और रन एनीवे पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप रन करेंगे ये सेटअप आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाते हैं और ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। देखते हैं इंस्टॉल होने के बाद हमसे क्या क्या चीज़ें मांगता है। तो हमसे बेसिकली ये दो चीज़ें मांगेगा, एक तो मांगेगा परचेज कोड और दूसरा मांगेगा एक्टिवेशन की। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चलेगा। ये हमारा इंस्टॉल हो गया है, यहाँ पर देखिए आप आइकन आ गया डेस्कटॉप पर। जैसे ही हम WS अंडर पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही यहाँ पर ये हमारा सॉफ्टवेयर रन हो गया। अब देखिए ये हमको दे रहा है एक एक्टिवेशन कोड, और यहाँ पर कह रहा है कि प्रोवाइड योर एक्टिवेशन की। तो ये एक्टिवेशन कोड की मदद से आपको एक्टिवेशन की जनरेट करनी है। कैसे करेंगे इसके लिए, फिर से आप अपने सॉफ्टवेयर में आएंगे और यहाँ पर ना आपको कीजन मिला है। इस कीजन की मदद से आप मल्टीपल कीज क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आप इसी सॉफ्टवेयर को अपने क्लाइंट्स को बेच पाएँ। तो कीजन पर हम लोग क्लिक करेंगे, और कीजन पर यहाँ पर आप देखिए कीजन नाम से एक ये की बनी हुई है। ये की बनी हुआ बनी होना ज़रूरी है।
अगर नहीं है या ये फाइल आपके सिस्टम में नहीं दिख रही है तो इसका मतलब है कि आपका जो एंटीवायरस है शायद इस फाइल को डिलीट कर दे रहा है। तो आप कुछ एक टाइम के लिए अपने एंटीवायरस को डिसेबल कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर हम कीजन पर क्लिक करेंगे, मोर इन्फो पर क्लिक करेंगे, रन एनीवेयर पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही रन एनीवेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे दो चीज़ें मांगेगा, एक तो परचेज कोड और दूसरा एक्टिवेशन कोड। तो परचेज कोड हमने आपको दिया है आपके मेल पर, आप उस परचेज कोड को कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको मेल पर जो परचेज कोड दिया गया है आप इसको जैसे ही कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप उसको यहाँ पर परचेज कोड को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आपको जो सॉफ्टवेयर रन करने पर परचेज एक्टिवेशन कोड मिला है, इस एक्टिवेशन कोड को भी आप यहाँ पर एक्टिवेशन कोड वाले ऑप्शन में डाल देंगे। तो परचेज कोड हमने आपको मेल पर दिया है और एक्टिवेशन कोड आपको मिलेगा जब आपने सॉफ्टवेयर रन करा। तो उसके बाद आप यहाँ पर वैलिडिटी डालेंगे, उसके बाद आप यहां पर अपना वैलिडिटी डालेंगे कि कितने दिन के लिए आप इस सॉफ्टवेयर को चलाना चाहते हैं। तो आप अपने लिए कुछ भी डाल सकते हैं। हमने यहां पर डाल दिया जनरेट की का ऑप्शन, 365 डेज डालने के बाद जनरेट की पर क्लिक कर दिया। अब ये की जो आपको जनरेट होके आई है ना, इस की को आप अगेन अपने सॉफ्टवेयर में डालेंगे और एक्टिवेट नाउ पर क्लिक कर देंगे। दैट्स इट, इतना करते ही आपका सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली रन हो जाएगा। अब जैसे ही सॉफ्टवेयर रन हो जाता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अकाउंट पर क्लिक करके अपना एक अकाउंट इसमें लॉग इन कर लेना है। तो ऐड न्यू अकाउंट पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम नाम डाल दे रहे हैं टेस्ट, ठीक है। आप कुछ भी डाल सकते हो, ये पूरा आपके ऊपर है, आप अपने अकाउंट का क्या नाम डालना चाहते हो। और इसमें आप मल्टीपल अकाउंट को लॉग इन कर सकते हो, यानी कि अगर आपके पास 3, 4, 5 व्हाट्सएप हैं तो आप वो भी कर सकते हो। देन हम लोग लोड पर क्लिक करेंगे और जैसे ही लोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन आएगा। तो हम एक QR कोड इसमें स्कैन कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमने अपना एक QR कोड स्कैन कर लिया है, आप देख सकते हैं। जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के बाद आपको इसको राइट क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, सॉरी, आपको ये ब्राउज़र विंडो बंद करनी पड़ेगी पहले, ये जो आपने QR कोड स्कैन करा है इसको आप क्लोज़ करेंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और इसको सेट एज प्राइमरी अकाउंट कर देना है। आप यहां पर मल्टीपल स्कैन कर सकते हैं ऑप्शन, मैंने आपको बताया। तो इसमें से कोई एक नंबर को आपको प्राइमरी अकाउंट सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो मेरे पास एक ही नंबर है तो मैंने इसको प्राइमरी सेट कर दिया। अब अगर आप इससे मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप सिंपल यहां पर अपना नंबर टाइप करें, और ये तो हो गया 1x1 का ऑप्शन। जैसे मैंने यहां पर अपना नंबर डाल दिया, अगर आपके पास नाम है तो आप यहां पर नाम भी डाल सकते हैं, मैंने नाम भी डाल दिया। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर आप अपना मैसेज लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो हाउ आर यू, ठीक है। अगर आपको नेमिंग कन्वेंशन करनी है तो आप यहाँ पर इस तरीके से नेमिंग कन्वेंशन भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नाम भी लेना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम जो मैंने डाला है वो लेना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगाना है और ये मैंने ऐसे लगा दिया, ये आपको दो बार लगाना है। सो मैंने दो बार कर दिया। देन उसके बाद आपको कैपिटल NAME ऐसे लिखना है एग्जैक्टली, आपको ध्यान रखना, अगर आप N स्मॉल कर देंगे तो शायद आपका नाम ना आए। तो आपने यहाँ पर जो भी लिस्ट अपलोड कर रखी है, आप यहाँ पर अपलोड एक्सेल पर क्लिक करके अपनी पूरी लिस्ट अपलोड कर सकते हैं नंबर की और नाम की। यहाँ पर आप एक सैंपल डाउनलोड कर सकते हैं कि किस तरीके से आपके नाम और नंबर होने चाहिए। तो इसी सैंपल के फॉर्मेट में ही आपको डेटा को अपलोड करना है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आप डाउनलोड सैंपल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट में हमारा आ गया है। तो डॉक्यूमेंट में मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, ये देखिए टेम्पलेट आ गया है। तो इसी टेम्पलेट के फॉर्मेट में एग्जैक्टली यहाँ पर आप पहले मोबाइल नंबर डालेंगे, देन नाम डालेंगे। ये वाली रो आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर विद कंट्री कोड आपको डालना है, यानी कि 91 लगाना आप मत भूलिएगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मैसेज डिलीवर नहीं होगा। तो इस फॉर्मेट में आप नंबर डाल दीजिएगा, जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया। आप मल्टीपल नंबर एंटर भी कर सकते हैं या एक्सेल शीट भी अपलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद में आप यहाँ पर अगर कोई अटैचमेंट डालना चाहते हैं, फाइल वगैरह डालना चाहते हैं, कोई भी तरह की फाइल आप डाल सकते हैं, फोटो वीडियो जो भी आप डालना चाहें। मैंने यहाँ पर फोटो डाल दिया। अगर आपको कोई कैप्शन लिखना है तो आप यहाँ पर कैप्शन भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर हेलो करके लिख दिया है। और देन आपको यहाँ पर वेट टाइम सेट कर लेना है कि कितने कितने ड्यूरेशन में मैसेज भेजना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फास्ट मैसेज भेजेंगे तो आपका नंबर ब्लॉक हो सकता है। स्टार्ट कैंपेन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कैंपेन का नाम डालना है, मैंने टेस्ट डाल दिया। आप अपना नंबर सेलेक्ट कर लेंगे किस नंबर से आपको मैसेज भेजना है। अगर आपने 3-4 नंबर डाल दिए तो आपका ये बार बार चेंज होता रहेगा। यहाँ पर मल्टी मोड में सेलेक्ट करने के बाद अगर आपने 3-4 नंबर अपने स्कैन कर रखे थे तो मल्टी मोड पर जा करके आप उन नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसी नंबर से
मल्टी मोड में जाता रहेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक ही नंबर है तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेफ मोड और अनसेफ मोड। तो सेफ मोड में आपका मैसेज उन्हीं को जाएगा जिनका कॉन्टैक्ट ऑलरेडी आपके फ़ोन में सेव है। अगर वो सेव नहीं है, यहाँ पर आपने अपलोड कर रखा है, तो उनको मैसेज नहीं जाएगा। अनसेफ मोड में सारे लोगों को मैसेज जाएगा और यहाँ पर चांसेस हैं कि आपका नंबर बैन हो जाए। तो अनसेफ मोड में ट्राई करता हूँ। स्टार्ट क्विक क्लिक करेंगे, क्लिक टू इनिशिएट पर क्लिक करेंगे और अब आपको दोबारा से QR कोड स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा स्कैन हो चुका है। देन यहाँ पर हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे हमारा मैसेज आप देखेंगे यहाँ पर अभी सेंड हो जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पर मैसेज भेजा और ये हमारा कैप्शन गया और कैप्शन के बाद हमारा जो हमने कंटेंट लिखा था हेलो करके हाउ आर यू, तो यहाँ पर देखिए हेलो रवि हाउ आर यू करके चला गया और ये हमारा ऑटोमेटिक रिप्लाई उधर से आया जो भी मैंने सेट कर रखा था। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका मैसेज डिलीवर होगा, ठीक है। और इस तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से बल्क में मैसेज भेज सकते हैं। इसमें और हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो आप इसमें बल्क में कैंपेन तो रन ही कर सकते हैं व्हाट्सएप के साथ ही साथ। आप यहां पर अगर चाहते हैं कि आप ग्रुप से मैसेज कर सकें तो आप यहां पर बहुत सारे ग्रुप में एक साथ बल्क में मैसेज कर सकते हैं और यहां पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। इन सारे ऑप्शन को मैं आपको एक्सप्लोर करके नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि जब भी मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूं तो YouTube हमारी वीडियो को डिलीट कर देता है, उसकी किसी पॉलिसी या टर्म्स को शायद हम वायलेट कर रहे होंगे, इसलिए मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करके तो नहीं दिखा सकता हूं। बट काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ईजी टू यूज़ हैं। जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि यहां से अगर आप WhatsApp पर बल्क में जो आपके ग्रुप्स हैं उनको ग्रैब करना चाहते हो तो यहां से आप ग्रैब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ग्रैब WhatsApp ग्रुप लिंक फ्रॉम वेब, यानी कि किसी भी वेबसाइट पर बहुत सारी WhatsApp की ग्रुप लिंक्स अवेलेबल हैं उनको आप एक साथ में इकट्ठा करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। WhatsApp ऑटो रिस्पॉन्डर बॉट की मदद से आप अपने चैट बॉट क्रिएट कर सकते हैं और जो भी कस्टमर आपके क्वेश्चन करता है उनको ऑटोमेटिक रिप्लाई कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट ग्रैबर की मदद से आपके मोबाइल फोन में जितने भी नंबर सेव हैं उनकी लिस्ट को आप अलग निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आपने जिन भी ग्रुप्स को ज्वाइन करा है उन ग्रुप्स के नंबर्स को भी आप निकाल सकते हैं। गूगल मैप डेटा एक्सट्रैक्टर की मदद से आप गूगल मैप पर जो भी कीवर्ड आप डालते हैं उस कीवर्ड के बेस पर निकाल सकते हैं डेटा, और अगर आप यहां पर ईमेल आईडी और इमेजेस भी निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं। ऑटो ग्रुप ज्वाइनर की मदद से आप यहां पर अपनी ग्रुप लिंक को अपलोड कर दीजिए जिन जिन ग्रुप्स को आपको ज्वाइन करना है। क्लिक टू इनिशिएट पर क्लिक करिए, स्टार्ट करिए और ऑटोमेटिकली आपका नंबर जो है उन ग्रुप्स के साथ लिंक होता चला जाएगा, ज्वाइन होता चला जाएगा। व्हाट्सएप नंबर फिल्टर का ऑप्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कभी आप नया कैंपेन रन करें एक अननोन नंबर पर या अननोन लिस्ट पर, तो आप सबसे पहले अपने व्हाट्सएप के नंबर को फिल्टर जरूर कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर फिल्टर करने से ये फ़ायदा होगा कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को मैसेज भेजेंगे जो व्हाट्सएप पर अवेलेबल हैं या फिर जिन लोगों ने आपको ब्लॉक नहीं किया है। अगर बाई चांस उनका नंबर व्हाट्सएप पर अवेलेबल ही नहीं है तो यहाँ पर वो नंबर फिल्टर होकर के अलग हो जाएंगे और उनको मैसेज नहीं जाएगा। ग्रैब एक्टिव ग्रुप मेंबर, दोस्तों काफ़ी बार ऐसा होता है कि ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स ऐड होते हैं लेकिन उसमें कुछ ही मेंबर ऐसे होते हैं जो एक्टिव होते हैं, तो अगर आप ऐसे नंबर्स को इकट्ठा करना चाहते हो जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ग्रुप में, तो वहाँ से आप ये लिस्ट निकाल सकते हो और यहाँ पर आप चैट की पूरी लिस्ट निकाल सकते हो अगर आप निकालना चाहते हो। देन आपको ऑप्शन मिलता है बल्क ऐड ग्रुप मेंबर। अगर आपने कई सारे ग्रुप बनाए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 या फिर आपके पास 10 ग्रुप हैं और आप उन ग्रुप में किसी मेंबर को ऐड करना चाहते हो बल्क में, आपके पास एक्सेल शीट है नंबर की, तो आप उन सारे नंबर्स को इस वाले ऑप्शन से ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपने नंबर अपलोड करने हैं और नंबर अपलोड करने के बाद आप क्लिक टू इनिशिएट पर क्लिक करिए और आपका ऑटोमेटिक ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद उन ग्रुप में ज्वाइन होता चले जाएंगे। देन ग्रुप फाइंडर का ऑप्शन है, यहाँ पर आप ग्रुप का सब्जेक्ट लिखिए, कुछ भी सब्जेक्ट लिखिए, जैसे आप चाहते हैं डिजिटल मार्केटर इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटर इन बैंगलोर या जो भी आपका कीवर्ड है, और जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी ग्रुप इंटरनेट पर अवेलेबल हैं वो सारे ग्रुप की लिस्ट आ जाएगी और इन लिस्ट को आप बाद में ज्वाइन करके इनमें अपना प्रमोशन कर सकते हैं। बल्क ग्रुप जनरेटर का ऑप्शन है, अगर आप अपने व्हाट्सएप नंबर पर बहुत सारे ग्रुप एक साथ क्रिएट करना चाहते हो 10, 20, 50, 100, तो यहाँ पर आपको ग्रुप का प्रीफिक्स डालना है, जैसे कि आप कुछ भी डाल सकते हो, हमारी कंपनी का नाम है वेंट सॉफ्टवेयर तो मैंने यहाँ पर VS डाल दिया। इंक्रीमेंट बाय 1 कर देना है, ग्रुप का सफिक्स डाल देना है लास्ट में, जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हो, और डिफ़ॉल्ट नंबर ऐड, कितने नंबर आपको डिफ़ॉल्ट ऐड करने हैं, टोटल कितने ग्रुप क्रिएट करने हैं, वैलिडेट पर क्लिक करिए और ऑटोमेटिकली आपके उतने सारे ग्रुप क्रिएट हो जाएंगे। गूगल कॉन्टैक्ट CSV जनरेटर है, अगर आप चाहते हो कि जैसे आपके पास 1,000, 2,000, 5,000 लोगों के मोबाइल नंबर हैं और आप एक गूगल कॉन्टैक्ट की CSV क्रिएट करना चाहते हो ताकि आपके मोबाइल नंबर वो ऑटोमेटिकली गूगल में एक साथ में सेव हो जाएं। गूगल में अगर आप गूगल कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो वहां पर आपको इंपोर्ट CSV का ऑप्शन मिलता है और उसको आप इंपोर्ट करने के बाद एक साथ उन नंबर को अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर गूगल कॉन्टैक्ट में सेव कर सकते हैं। वेबसाइट
ईमेल मोबाइल एक्सट्रैक्टर ये बहुत ही पावरफुल फीचर है। सो वेबसाइट ईमेल मोबाइल एक्सट्रैक्टर की मदद से आप यहाँ पर मल्टीपल यूआरएल्स डाल सकते हैं अगर आपके पास 2, 4, 10, 20, 50, 100 वेबसाइट्स हैं, और वहां से आप ना यहाँ पर डेप्थ डाल सकते हैं जो भी 10, 20, 50, और उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपको हर वेबसाइट पर जितने भी मोबाइल नंबर अवेलेबल होंगे वो निकल करके आ जाएंगे जिन पर आप बाद में प्रमोशन कर सकते हैं। और ये ऑप्शन आपको मिलता है व्हाट्सएप वार्मर का। दोस्तों अगर आपके पास 3, 4, 5, 10 मोबाइल नंबर हैं आप यहाँ पर वो सारे अकाउंट लिंक कर दें, और ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी मदद से आपस में जो अगर आपने 10 नंबर लिंक करे हैं तो 10 नंबर आपस में बात करना चैट करना शुरू कर देंगे ताकि आपके नंबर वार्म अप हो जाएं और उनसे बाद में आप अपना प्रमोशन शुरू कर सकें। तो ये कुछ बेहतरीन फीचर्स हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम WA सेंडर से कैसे मेंबर्स को अपने ग्रुप से ग्रैब कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर को अकाउंट में आकर के स्कैन कर लेना है। आप ऐड अ न्यू अकाउंट पर क्लिक करके यहाँ पर अपने अकाउंट का नाम डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 2, और यहाँ पर हम ऐड पर क्लिक करेंगे, और ऐड पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो जाता है। आप चाहें तो जो भी नंबर आपने 2-3 नंबर को स्कैन करा है इनको आप सेट एज प्राइमरी अकाउंट कर सकते हैं। मैंने पहले वाले नंबर को प्राइमरी अकाउंट सेट कर दिया है, और आप इसको लोड करके एक बार अपने नंबर को QR कोड जरूर से स्कैन कर लीजिए, तभी आपका आगे की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगी सही से। तो इस तरीके से आपको एक बार नंबर स्कैन कर लेना है। जैसे ही आपका नंबर स्कैन हो जाता है यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ग्रैब ग्रुप मेंबर का, यानी कि जैसे आप ग्रैब नाउ पर क्लिक करेंगे, क्लिक टू इनिशिएट पर क्लिक करेंगे, आपका ब्राउजर लोड होगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा ब्राउजर लोड हो गया है। देन आपको करना है स्टार्ट ग्रैबिंग पर, और जैसे ही आप स्टार्ट ग्रैबिंग पर क्लिक करते हैं तो आपने जिन जिन ग्रुप्स को ज्वाइन कर रखा है ये सारे ग्रुप आपको देखने को मिल जाएंगे। अब अगर जिन भी ग्रुप मेंबर्स के ऑडियंस को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, जैसे यहां पर हमारी प्री ट्यूटोरियल कम्युनिटी है, हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करने के बाद हम इसके मेंबर्स को निकाल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे पास ग्रुप मेंबर हैं, आप जिन जिन ग्रुप्स के मेंबर्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं आप उन ग्रुप्स को सेलेक्ट कर लीजिए, और फाइनली सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप स्टार्ट ग्रैबिंग करेंगे आपका ये लिस्ट जो है डाउनलोड हो जाएगा, और आप इस लिस्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारी लिस्ट डाउनलोड हो गई है मल्टीपल ग्रुप मेंबर्स, और यहाँ पर आप अपनी नंबर्स को भी देख सकते हैं, और इस तरीके से आप इन नंबर्स पर बाद में 1-to-1 मैसेजिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो हो सकता है YouTube रिमूव कर दे, तो आपको ये वीडियो को जल्दी से जल्दी देख लेना है या फिर डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये शायद मुझे लगता है कि YouTube की पॉलिसी के अगेंस्ट होगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि इस तरह की वीडियो YouTube हमारी रिमूव कर चुका है, तो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको तुरंत के तुरंत डाउनलोड कर लें, देख लें। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप WA सेंडर बॉट को अपने ओपन करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को परचेज करने के लिए आपको जो नीचे ऑप्शन दिया जा रहा है, कॉल का नंबर दिया जा रहा है या वेबसाइट दी जा रही है, वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, और इससे पहले आप अपने अकाउंट को ज़रूर से लिंक कर लें। अकाउंट को लिंक करने के लिए आपको यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ऐड अ न्यू अकाउंट पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट का नाम डाल करके और ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आप अपना इस पर लोड पर क्लिक करके QR कोड को स्कैन कर लीजिए, और किसी एक नंबर को डिफॉल्ट नंबर सेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप मल्टीपल मोबाइल नंबर्स को स्कैन कर सकते हैं ताकि जब आप अपना व्हाट्सएप प्रमोशन करते हैं तो प्रमोशन के दौरान अगर आप रैंडम नंबर्स को यूज करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। तो यहां पर कोई ना कोई एक नंबर आपको यूज करके इसको डिफॉल्ट नंबर सेट कर देना है। फाइनली आपको आना है यहां पर सेटिंग्स के बटन पर, और यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रैब व्हाट्सएप ग्रुप लिंक फ्रॉम वेब। बहुत ही पावरफुल फीचर है, और इसकी मदद से इंटरनेट पर अवेलेबल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको बहुत सारे टारगेटेड ग्रुप मिल जाते हैं। अगर आप उन ग्रुप के लिंक को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, बाद में आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन करके और उसके मेंबर्स की लिस्ट भी निकाल सकते हो, वो बाद की बात है। बट अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम ग्रुप की लिंक को कैसे इकट्ठा करेंगे। आपको ग्रैब नाउ पर क्लिक करना है, ओपन ब्राउजर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा। ब्राउजर ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको आएगा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। अगर आप और ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटर इन डेली व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिलेंगी। जैसे यहाँ पर 100+ एक्टिव डिजिटल मार्केटिंग व्हाट्सएप ग्रुप लिंक करके एक वेबसाइट है, और आपको इस तरीके से अपनी वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको स्टार्ट ग्रैबिंग पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नो ग्रुप लिंक फाउंड इन दिस पेज लिख करके आ रहा है। आप किसी दूसरे वेबसाइट को ट्राई कर सकते हैं, या फिर मैं इसी में ओपन करके एक बार देख लेता हूँ। मैंने इस पेज को ओपन करा, और पेज को ओपन करने के बाद स्टार्ट ग्रैबिंग पर क्लिक किया, और जैसे ही मैंने स्टार्ट ग्रैबिंग पर क्लिक किया, इस
पेज की जितनी भी व्हाट्सएप ग्रुप लिंक हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड होकर के आ गई हैं। साथ ही साथ बैक करके अगर आपको किसी दूसरे ग्रुप का चाहिए, लाइक फिर से मैं ट्राई करता हूँ इस पेज का और दोबारा से स्टार्ट ग्रैबिंग पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पेज का भी आप स्क्रैप कर सकते हैं, बशर्ते आप सेम पेज को ओपन करें, आप नया पेज ना ओपन करें। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स की लिंक आ गई हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हैं। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी ग्रुप लिंक आ गई हैं, तो इस तरीके से आप इन ग्रुप लिंक्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अगली वाली क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम इन ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि WA Sender की मदद से किस तरीके से हम ऑटो रिस्पॉन्डर बॉट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपना सॉफ्टवेयर ओपन करना है और सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद आपको अकाउंट्स पे आकर के एक सबसे पहले अपना अकाउंट लिंक कर लेना है, अगर लिंक नहीं किया है तो। लिंक करने के बाद आपको एक डिफॉल्ट अपना प्राइमरी अकाउंट सेट करना है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक प्राइमरी अकाउंट सेट कर रखा है। लोड करके आप अपने QR कोड को स्कैन कर लीजिए और देन उसके बाद आप रेडी हो जाएंगे अपना रिस्पॉन्डर बॉट क्रिएट करने के लिए। आपको स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है और स्टार्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऐड रूल का। जैसे ही हम ऐड रूल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इफ का ऑप्शन आता है, यानी कि इफ यूजर सेंड, तो यूजर जैसे कोई हम यहाँ पर एक ग्रीटिंग से रिलेटेड बनाना चाहते हैं, तो जैसे कोई भेजता है हाय, तो यहाँ पर मैंने हाय डाल दिया। अगर कोई बंदा आपसे हाय सेंड करता है तो यहाँ पर कंडीशन आप मैच करा सकते हैं कि एग्जैक्ट ये होना चाहिए या फिर आपके वर्ड में या सेंटेंस में ये वर्ड HI आना चाहिए, स्टार्ट फ्रॉम में HI आना चाहिए या एंड्स विद में HI आना चाहिए। तो नॉर्मली आप एग्जैक्ट लेकर के चले ताकि कभी भी कोई मिसमैच ना हो और अच्छे से आपका ऑटोमेशन काम करे। देन रिप्लाई विद, आप यहां पर उसके बाद में क्या रिप्लाई करना चाहते हैं, आप ऐड मैसेज के ऑप्शन पर क्लिक करिए और यहां पर आप रिप्लाई में कर सकते हैं, जैसे आप हेलो हाय जो भी आपको मैसेज भेजना है वो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई फाइल अटैच करनी है तो आप अपनी फाइल्स को भी अटैच कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक फोटो सेंड कर दिया। और उसके बाद अब मैं आप ऐड पोल पर क्लिक करके पोल भी क्रिएट कर सकते हैं, वुड यू लाइक टू ट्राई आर सर्विसेज, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी डाल दिया, वुड यू लाइक टू ट्राई आर सर्विसेज, ठीक है। इस तरीके से आप पोल क्रिएट कर सकते हैं, ऑप्शंस में आप यहाँ पर यस या नो सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमने सेट कर लिया यस या नो, और यहाँ पर आप सेलेक्टेबल काउंट ले सकते हैं, सिंगल सेलेक्ट या मल्टी सेलेक्ट, तो यहाँ पर हम सिंगल सेलेक्ट लेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ही ऑप्शन पे क्लिक करे कोई बंदा, और इसको सेव पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर पोल भी क्रिएट कर दिया, ऐड पर क्लिक करेंगे और ये हमारा रिप्लाई सेट हो गया। सेम इसी तरीके से आप मल्टीपल रिप्लाईज को आसानी से सेट कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर यूज़ फॉलबैक का ऑप्शन मिलता है। फॉलबैक एक ऐसा मैसेज होता है जो आप डिफॉल्ट मैसेज सेंड करना चाहते हैं जब आपका कीवर्ड मैच नहीं होता है। दोस्तों काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपका कीवर्ड मैच नहीं होता है, बहुत सारे आपने इस तरीके से बॉट्स क्रिएट कर लिए, बहुत सारे रिप्लाईज आपने सेट करे, बट कभी ऐसा हो सकता है कि वो क्वेश्चन जो कस्टमर आपका भेज रहा है वो इस यहां पर मैच ना करे, उस केस में आप यूज फॉलबैक पर ले सकते हैं। और फॉलबैक में आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं, जैसे यहां पर हमने डाल दिया प्लीज कॉल और व्हाट्सएप एट 7905665099, ये मैंने मैसेज डाल दिया। सेम उसी तरीके से अपना फाइल और पोल क्रिएट कर सकते हैं, ऐड पर क्लिक करेंगे तो अब ये मैसेज हमारा हर बार ट्रिगर होगा जब कस्टमर का कीवर्ड हमारे जो बॉट हमने बनाया है वहाँ से मैच नहीं होगा तब। उसके बाद आपको इसको स्टार्ट पर क्लिक करना है और जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे आपका ब्राउज़र विंडो लोड हो जाएगा और लोड होने के बाद आपका ये चीज़ काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से हमारा ये स्टार्ट पर हमने कर दिया है और ये हमारा बॉट काम कर रहा है। अब जब भी कोई कस्टमर यहाँ पर मैसेज करेगा तो हमारा बॉट ऑटोमेटिक रिप्लाई करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप WA Sender में अपने बॉट्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं किसी बंदे ने हमें मैसेज किया है और आप देख सकते हैं ये फॉलबैक के काफ़ी सारे ऑप्शन इसको डिलीवर होना शुरू हो गए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम WA Sender बॉट की मदद से कॉन्टैक्ट लिस्ट को ग्रैब कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि आपके मोबाइल फोन पर जो भी नंबर सेव हैं व्हाट्सएप पर, तो आप उनकी एक लिस्ट निकालना चाहते हो या फिर आपके बहुत सारे ग्रुप हैं, उन ग्रुप्स के जो मेंबर हैं उनकी लिस्ट आप निकालना चाहते हो एक साथ में बल्क में, ताकि आप उनको बाद में मार्केट कर सकें। तो इसके लिए WA Sender बॉट की मदद से ये काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस सॉफ्टवेयर को आपको रन करना है। सॉफ्टवेयर रन करने के बाद आप यहाँ पर एक सेटिंग बटन पर आएंगे। इससे पहले आप ध्यान दें कि यहाँ पर आपको जो अकाउंट्स का ऑप्शन दिया गया है, इस अकाउंट पर क्लिक करके आप ऐड अ न्यू अकाउंट पर क्लिक करके अपना एक अकाउंट ऐड कर लें। अकाउंट ऐड करने के लिए आप यहाँ पर अकाउंट का नाम डाल सकते हैं और हमारी आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर हमने ये चीज़ आपको बताई है कि कैसे आपको करना है। उसके बाद आपको लोड पर क्लिक करना है और अपने
व्हाट्सएप मोबाइल से अपने QR कोड को स्कैन करके मोबाइल फ़ोन को लिंक कर देना है। लिंक करने के बाद आप यहाँ पर आप काफ़ी सारे नंबर्स को लिंक कर सकते हैं और किसी एक नंबर को आपको अपना एक प्राइमरी अकाउंट सेट कर देना है। आप यहाँ क्रॉस वाले बटन पर राइट क्लिक करके इसको सेट एज अ प्राइमरी अकाउंट पर क्लिक करके इसको प्राइमरी अकाउंट बना सकते हैं। तो आपको जिस भी मोबाइल नंबर का डेटा निकालना है उसको आपको प्राइमरी अकाउंट सेट कर लेना है। देन आपको आ जाना है सेटिंग्स के बटन पर और यहाँ पर आपको मिलेगा कॉन्टैक्ट लिस्ट ग्रैबर का ऑप्शन। जैसे ही आप ग्रैब नाउ पर क्लिक करते हैं आपको क्लिक करना है क्लिक टू इनिशिएट पर। इनिशिएट करने के बाद आपका ब्राउज़र विंडो लोड होगा और आपका जो व्हाट्सएप है वहाँ की सारी चैट लिस्ट आ जाएगी। और जैसे ही आपका एक बार सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो जाता है देन उसके बाद में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, ग्रैब ऑल सेव्ड कॉन्टैक्ट यानी कि आपके व्हाट्सएप पर जितने भी कॉन्टैक्ट सेव हैं उनको आप ग्रैब कर सकते हैं इन जस्ट वन क्लिक। जैसे हम ग्रैब ऑल सेव्ड कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे एक सेकंड के अंदर आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट ग्रैब हो गई है। सेम उसी तरीके से आपको यहां पर ऑप्शन मिलता है ग्रैब ऑल ग्रुप्स। जैसे हम ग्रैब ऑल ग्रुप्स पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपके सारे ग्रुप की लिंक्स आ जाती हैं। अब आप इन ग्रुप्स के मेंबर को बाद में निकाल सकते हैं, उसको निकालने के लिए आपको अलग टूल्स बताए गए हैं। जैसे यहां पर ग्रैब ग्रुप मेंबर का ऑप्शन है, इससे आप जो भी आपके ग्रुप हैं उनके मेंबर्स को आप ग्रैब कर सकते हैं। WA Thunderbot की मदद से कैसे हम गूगल मैप का डेटा निकाल सकते हैं और बाद में इस डेटा पर आप व्हाट्सएप या ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले WA Thunderbot सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को परचेज करने के लिए आपको नीचे जो लिंक या मोबाइल नंबर दिया जा रहा है इस पर आप कॉल करके इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको स्टार्ट करेंगे, जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको गूगल मैप डेटा एक्सट्रैक्टर का ऑप्शन मिलता है। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि गूगल मैप से हम डेटा निकाल रहे हैं तो ये YouTube की पॉलिसी को वायलेट कर रही हो वीडियो और YouTube इस वीडियो को डिलीट कर दे। तो आप इस वीडियो को तुरंत डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा ताकि आपसे ये जानकारी मिस ना हो। उसके बाद हम ग्रैब नाउ पर क्लिक करेंगे और ग्रैब नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्वेरी अपना डाल सकते हैं, जो भी सर्च करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट या कंपनी में डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन लखनऊ। और इस तरीके से आप मल्टीपल कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर केवल एक सिंगल कीवर्ड को ऐड किया है। सर्च पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर बहुत सारा डेटा देखने को मिल जाएगा। आप इस विंडो को नॉर्मली मिनिमाइज भी कर सकते हैं। देन उसके बाद में अगर आपको ईमेल आईडीज भी निकालनी है तो आप ईमेल आईडी के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको इमेजेस भी चाहिए तो इमेज पर क्लिक कर सकते हैं। मैं नॉर्मली यहाँ पर ऐसे ही शुरू कर देता हूँ, स्टार्ट ग्रैबिंग पर क्लिक करूँगा और आफ्टर फ्यू सेकंड्स 5 से 7 सेकंड में ये आपका प्रोसेस रनिंग में आ जाएगा। और रनिंग में होने के बाद यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का जो लिस्ट है वो देखने को मिल जाता है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्राउज़र विंडो यहाँ पर क्रोम लगा है तो यही प्रोसेस आपका थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, बट यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारे पास डेटा निकलना शुरू हो गया है। दोस्तों इस डेटा को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि हमारी वीडियो डिलीट ना हो और ये पब्लिक में डेटा शेयर करना सही भी नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डेटा निकलना शुरू हो गया है। और जैसे ही आपका डेटा ये पूरा निकल जाता है आप इस प्रोसेस को यहाँ से स्टॉप पर क्लिक करके स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपको केवल नंबर निकालने हैं तो आप यहाँ पर एक्सपोर्ट नंबर ओनली पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको नंबर्स को इंपोर्ट करना है तो आप यहां से इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरी फाइल एक्सेल में एक्सपोर्ट करनी है तो आप यहां से जी मैप डेटा और इसको हम कर लेते हैं एक्सपोर्ट। तो इस तरीके से आपका एक्सेल शीट में ये पूरा डेटा एक्सपोर्ट होकर के आ जाता है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्टिव ग्रुप मेंबर्स को निकालना। दोस्तों अगर आपने काफ़ी सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर रखा है उसमें काफ़ी सारे मेंबर्स हैं लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसे मेंबर हैं जो परमानेंट एक्टिव रहते हैं, बाकी सारे डेड मोड में रहते हैं। और अगर आप इन लोगों की एक लिस्ट निकालना चाहते हो वो आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हो WA Thunder की मदद से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है WA Thunder सॉफ्टवेयर पर। WA Thunder के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है, आप जाकर के प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो जैसे ही सॉफ्टवेयर को हम ओपन करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले अपना एक अकाउंट ऐड कर लेना है, कोई भी अकाउंट। ऐड न्यू अकाउंट पर क्लिक करके आप अकाउंट का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद आप लोड पर क्लिक करके अपने QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। फाइनली आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके एक अकाउंट को आपको प्राइमरी अकाउंट सेट करना पड़ेगा। इसमें आप मल्टीपल अकाउंट को ऐड करके उनके साथ काम कर सकते हैं। कोई एक नंबर ऐड करने के बाद जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं वो नंबर ऐड कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आपको आना है सेटिंग्स बटन पर और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रैब एक्टिव ग्रुप मेंबर्स का। जैसे ही आप ग्रैब नाउ पर क्लिक करेंगे आपको कर देना है क्लिक टू इनिशिएट पर क्लिक। जैसे ही आप क्लिक टू इनिशिएट पर क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सएप लोड होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपका व्हाट्सएप लोड हो जाता है तो आपको स्टार्ट ग्रैबिंग का ऑप्शन मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको वो ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है जिस ग्रुप के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे। तो
तो जिस भी ग्रुप पर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्टार्ट ग्रैबिंग पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही आपको यहाँ पर ग्रुप दिख जाएंगे जो आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं, और इसके बाद आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है और इसको कर देना है स्टार्ट। तो जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो आपका एक्टिव मेंबर्स को ढूंढ करके आपको दे देगा, और फाइनली आपको इसको स्टॉप करके कर देना है एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट करने के बाद इन मेंबर्स की लिस्ट को आप अपने डेस्कटॉप पर सेव कर सकते हैं। फाइनली आप इस पर अपना बाद में मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बल्क में ग्रुप मेंबर्स को ऐड करना किसी अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में। अगर आपके पास बहुत सारे व्हाट्सएप के ग्रुप हैं और आप उन ग्रुप्स में मेंबर्स को ऐड करना चाहते हो बल्क में, वो कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आ जाना है WS Thunderbot सॉफ्टवेयर पर। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त व्हाट्सएप मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। इसके बारे में अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो आपको जो नीचे वेबसाइट दी जा रही है या फिर आपको जो नंबर दिया जा रहा है इस पर आप जा करके कॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले सॉफ्टवेयर को जैसे ही आप ओपन करेंगे अकाउंट्स में आना है, और अकाउंट्स में आने के बाद आपको एक नंबर ऐड कर लेना है। ऐड अ न्यू अकाउंट पर क्लिक करके यहाँ पर आप अकाउंट का नाम डालिए और इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आप यहाँ पर लोड पर क्लिक करेंगे, और लोड पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर QR कोड आएगा जिसको आपको कर लेना है स्कैन। QR कोड स्कैन करने के बाद आप किसी एक नंबर को जिससे आप काम करना चाहते हैं उसको आप डिफॉल्ट नंबर या प्राइमरी नंबर सेट कर लेंगे। इसके लिए आपको राइट क्लिक करना है और सेट एज प्राइमरी अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका प्राइमरी अकाउंट बन जाए अब आपका नंबर रेडी काम करने के लिए। सो इसके लिए आपको सेटिंग बटन पर क्लिक करना है, यहां पर आप सेटिंग बटन देख सकते हैं, और इसके बाद में आपको बल्क ऐड ग्रुप मेंबर्स पर क्लिक करके स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना है। यहां पर आप अपनी एक्सेल फाइल अपलोड कर देंगे, यानी कि उन नंबर्स का डेटा अपलोड कर देंगे जिनको आप ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं। ओपन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना डिले सेटिंग लगा सकते हैं, यानी कि कितने कितने सेकंड के बाद आप मेंबर्स को ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद आप क्लिक टू इनिशिएट पर क्लिक करेंगे, आपका ब्राउजर विंडो लोड होगा और यहाँ पर आपका जो भी व्हाट्सएप के नंबर्स हैं वो दिख जाएंगे, और फाइनली आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आपको ग्रुप की लिस्ट दिखेगी, जो जो ग्रुप आपने बना रखे हैं। जिस भी ग्रुप में आप मेंबर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो ग्रुप सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली बहुत तेजी से नंबर्स को ज्वाइन करना शुरू करेगा। देखिए यहाँ पर एक नंबर ज्वाइन भी हो गया है, और इस तरीके आप इस लिस्ट को पॉज कर सकते हैं या फिर स्टॉप करना चाहे स्टॉप कर सकते हैं, और फाइनली यहां पर आपको रिजल्ट आ जाएगा। आप इस रिजल्ट को देख सकते हैं कि कौन कौन से नंबर आपके सक्सेसफुली ज्वाइन हो गए हैं। कि इस वीडियो में हम लोग ग्रैब करेंगे व्हाट्सएप की चैट लिस्ट। दोस्तों अगर आपने व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करा है और आप इन सारे लोगों के नंबर और साथ ही साथ में आप इनके नाम को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही जबरदस्त सॉफ्टवेयर है WS Thunder। इससे आप बहुत ही आसानी से ये सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आपने सॉफ्टवेयर ले रखा है तो आप इस पर डबल क्लिक करते हैं, और डबल क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले अपने अकाउंट को इसमें ऐड कर लेना है। अकाउंट को ऐड करने के लिए आपको इस अकाउंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऐड अ न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है, और एक अकाउंट का नाम डाल करके आप इजीली यहां पर अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। देन आप यहां लोड पर क्लिक करके अपने QR कोड को स्कैन करिएगा, और किसी एक नंबर को आप डिफॉल्ट नंबर बना देंगे। डिफॉल्ट नंबर बनाने के लिए आपको नंबर पर राइट क्लिक करना है और सेट एज अ प्राइमरी अकाउंट सेट कर देना है, ताकि आप उस नंबर के साथ काम कर सकें। देन उसके बाद में अगर आपको चैट लिस्ट निकालनी है तो आपको आना है सेटिंग बटन पर, और यहाँ पर क्लिक करना है ग्रैब चैट लिस्ट पर। जैसे ही आप ग्रैब चैट लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको क्लिक टू इनिशिएट पर क्लिक करना है, और आपका जो ब्राउजर विंडो है वो लोड हो जाएगा जहाँ पर आपने व्हाट्सएप QR कोड को स्कैन किया था। देन उसके बाद में आपको स्टार्ट ग्रैबिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट ग्रैबिंग पर क्लिक करोगे एक सेकंड के अंदर आपकी जो है चैट लिस्ट निकल के आ जाएगी, और इस चैट लिस्ट को बाद में आप देख सकते हैं कि आपने किन किन नंबर्स के साथ कम्युनिकेशन करी हुई है, साथ ही उनके क्या नंबर हैं और क्या उनके नाम हैं। तो यहाँ पर आप ये लिस्ट हमारी देख सकते हैं, सेम इसी तरीके से लिस्ट आप अपनी निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि व्हाट्सएप पर आपके पास अगर काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं या फिर ग्रुप की लिंक है, अगर आप अपने आप को उन ग्रुप्स में ऑटोमेटिक ज्वाइन कराना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ओपन कर लेना है WS Thunder। WS Thunder एक बहुत ही ज़बरदस्त व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, यहाँ पर आप इन फीचर्स को देख सकते हैं। अगर आप ये सॉफ्टवेयर बाय करना चाहते हैं तो नीचे आपको जो लिंक दिया जा रहा है वहाँ पर जाकर के आप इसकी और ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं, या फिर आपको जो नंबर दिया जा रहा है यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। तो हम अब देख लेते हैं कि ये ऑटो ग्रुप ज्वाइनर कैसे काम करता है। तो इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको अकाउंट में आना है, और अकाउंट में आपको एक नया अपना अकाउंट ऐड कर लेना है, यानी कि ऐड अकाउंट पर क्लिक करके आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 5 डाल दिया, ऐड पर क्लिक करा, और इस तरीके से आप नंबर ऑफ अकाउंट इसमें ऐड कर सकते हैं। फाइनली आपको लोड पर क्लिक करके अपने QR कोड को स्कैन कर लेना है और आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर किसी भी नंबर को आप एक प्राइमरी नंबर सेट कर दें, जैसे मैंने इस नंबर को करना है तो सेट एज अ
प्राइमरी अकाउंट कर देना है तो कोई एक नंबर आप प्राइमरी अकाउंट में सेट कर दें जिस नंबर को आप बाय डिफॉल्ट यूज करना चाहते हैं। उसके बाद में आपको आ जाना है, यहाँ पर आप देखेंगे सेंडर का ऑप्शन है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने इस सीरीज में बता रखा है, आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ग्रुप में मैसेज भेजने का, देन यहाँ पर आपको मिलता है ऑटो ग्रुप ज्वाइनर का। सो ऑटो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक्स, इन लिंक्स को आप कॉन्टैक्ट लिस्ट ग्रैबर से निकाल सकते हैं या फिर अगर आप वेब से निकालना चाहते हैं तो यहां से आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग करेंगे ऑटो ग्रुप ज्वाइनर को स्टार्ट नाउ, और जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो यहां पर आपको जो आपने ग्रुप की लिंक निकाल रखी उनको आपको अपलोड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास काफ़ी सारी ग्रुप लिंक हैं, इनको हम लोग ओपन करेंगे, और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको क्लिक टू इनिशिएट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक टू इनिशिएट पर क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सएप स्कैन होगा, और आप जैसे ही इस व्हाट्सएप को स्कैन कर लेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, और एक बार ये लोड हो जाएगा देन उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका नंबर इन ग्रुप्स को ज्वाइन करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आप ऑटो ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि व्हाट्सएप के जो ओपन ग्रुप्स हैं उनको हम कैसे फाइंड करें इंटरनेट से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाना है और आपको ओपन कर लेना है अपना डब्ल्यू ए सेंडर सॉफ्टवेयर। दोस्तों डब्ल्यू ए सेंडर एक बहुत ही ज़बरदस्त व्हाट्सएप का मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसको आप नीचे जो वेबसाइट दी जा रही है वहाँ पर जाकर के आप इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको इस सेटिंग्स बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं जिनके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियोज़ बना रखी हैं, आप उन प्रीवियस वीडियोज़ को भी जा करके देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रुप फाइंडर का ऑप्शन। ग्रुप फाइंडर जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर अपना कीवर्ड डालना है, जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। तो जैसे ही डिजिटल मार्केटिंग कंपनी पर क्लिक करके हमने स्टार्ट नाउ पर क्लिक करा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स और उन ग्रुप्स का लिंक आना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रुप के लिंक्स आना शुरू हो गए हैं ग्रुप के नाम के साथ में। आप इन ग्रुप लिंक को जैसे ही आपको प्रॉपर रिपोर्ट मिल जाती है आप इसको स्टॉप कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद आप इन ग्रुप्स में खुद को ज्वाइन करा सकते हैं यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। कैसे करना है, इंपोर्ट इन ग्रुप ज्वाइनर पर जाइए और वहां से आप डायरेक्टली इसको आप क्लिक टू इनिशिएट करके स्टार्ट कर दीजिए और ऑटोमेटिकली आप इन ग्रुप को ज्वाइन करने लगेंगे। आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और जैसे ही आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं आप इनमें अपना प्रमोशन और मार्केटिंग करना शुरू कर सकते हैं। कि इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बल्क ग्रुप जनरेट करना। दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप पर बहुत सारे ग्रुप्स क्रिएट करना चाहते हो एक साथ में, तो इसके लिए आप डब्ल्यू ए सेंडर की मदद से ये काम कैसे कर सकते हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डब्ल्यू ए सेंडर को ओपन कर लेना है, देन उसके बाद में आपको सेटिंग के इस बटन पर आना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बल्क ग्रुप जनरेटर। दोस्तों बाकी सारे फीचर्स के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, तो आप उन प्रीवियस वीडियोस को भी जा करके देख सकते हैं। बल्क ऐड ग्रुप जनरेटर पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रुप का प्रीफिक्स डालना है, जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं VS, आप कोई भी नाम या नंबर डाल सकते हो। उसके बाद में इंक्रीज बाई 1, 2, 3 आपको क्या नंबर डालना है वो आप डाल सकते हैं। ग्रुप का सफिक्स जो डालना है वो आप डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया WP। डिफॉल्ट नंबर ऐड, कितने नंबर आप ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। मान लीजिए मेरे को ना 10 नंबर ऐड करने हैं तो मैंने यहाँ पर 10 डाल दिए, और जनरेट टोटल ग्रुप आपको कितने करने हैं वो आपने डाल दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है, और उसके बाद में आपको अपनी डिले सेटिंग लगा देनी है, जो भी आपको लगानी है वो आप लगा सकते हैं। डिले सेटिंग इंपॉर्टेंट है ताकि आपका नंबर बैन ना हो। उसके बाद आप क्लिक टू इनिशिएट पर क्लिक करके अपने QR कोड को स्कैन करके अपना नंबर स्कैन कर लीजिएगा और इस स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली काफ़ी सारे ग्रुप क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ग्रुप का नाम और ग्रुप का स्टेटस अगर क्रिएट होगा तो सक्सेस अदरवाइज फेल्ड का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो इस तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से बल्क में ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर नंबर फिल्टर कैसे कर सकते हैं? दोस्तों व्हाट्सएप पर नंबर फिल्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास एक नंबर की लिस्ट है और आप उस लिस्ट पर मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं और आप देखते हैं कुछ देर के बाद आपका नंबर बैन हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपने उन लोगों को मैसेज करना शुरू कर दिया जो शायद व्हाट्सएप पर थे ही नहीं, या फिर जिन लोगों ने आपको ऑलरेडी ब्लॉक कर रखा था। अगर आप ऐसी लिस्ट को फिल्टर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना डब्ल्यू ए सेंडर बॉट ओपन कर लेना है। डब्ल्यू ए सेंडर बॉट के बारे में मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है, ये एक ज़बरदस्त व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको काफ़ी सारे टूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नंबर फिल्टर करना है तो नंबर फिल्टर करने के लिए आपको इस सेटिंग्स वाले बटन पर आना है, यहाँ पर आपको ये फीचर मिलेगा व्हाट्सएप नंबर फिल्टर का। आपको बस स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना है, और स्टार्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है या फिर जो भी आपके पास डेटा है उसको आप यहाँ से ओपन कर देंगे।
ओपन करते ही सारे नंबर्स आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप डिले सेटिंग लगा सकते हैं। डिले सेटिंग का मतलब ये नंबर्स को आप कितनी कितनी देर बाद चेक करना चाहते हैं। वैसे रिकमेंडेड है कि आप कम से कम 5 से 6 सेकंड जरूर ले करके चलें। अगर आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं तो आप ले लीजिए, वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। कितना नंबर आप चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं मान लीजिए डाल देता हूँ कि 100 नंबर चेक करने के बाद हम थोड़ा सा 4-5 मिनट का और वेट करना चाहेंगे। तो यहाँ पर हमने 50 डाल दिया, 50 सेकंड का वेट, 50 से 100 सेकंड का वेट करना चाहिए। तो ये सेटिंग आप अपने हिसाब से टाइम डाल सकते हैं। देन आपको करना है क्लिक टू इनिशिएट पर, और क्लिक टू इनिशिएट करने के बाद आपका जो व्हाट्सएप है वो लोड हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप अपने QR कोड को स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद आपको बस स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही आपकी जो लिस्ट है वो फिल्टर होना शुरू हो जाएगी। फाइनली आपको ऐसे नंबर मिल जाएंगे जो व्हाट्सएप पर हैं या फिर नहीं हैं। तो आप क्या करिएगा कि यहाँ से वो लिस्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उसमें आप एक्सेल से फ़िल्टर लगा सकते हैं, यस जो व्हाट्सएप पर हैं और जो नहीं हैं। फिर जो हैं उनको निकाल करके आप बाहर कर लीजिए, और उस पर आप अपना मार्केटिंग करना शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि WA सेंडर में हमारा जो नया अपडेट आया है व्हाट्सएप वार्मर का, इसको कैसे हमें यूज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको WA सेंडर सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जैसे ही आप इस सेटिंग बटन पर आएंगे तो आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर आपको व्हाट्सएप वार्मर का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन व्हाट्सएप वार्मर कैसे काम करता है पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको मिनिमम 2 नंबर कनेक्ट करने पड़ेंगे। अगर आप इन 2 नंबर को यहाँ पर लोड कर सकते हो, ऐड न्यू अकाउंट पर क्लिक करके आप अकाउंट पर क्लिक करिए, लोड पर क्लिक करिए और QR कोड को स्कैन कर दीजिए। तो जब भी आप 2 नंबर को QR कोड से स्कैन करेंगे तो इन दोनों नंबर के बीच ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन होगी। और जब ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन होगी मतलब आपको 1-to-1 चैट करने की ज़रूरत नहीं है। आपस में दोनों व्हाट्सएप नंबर बात करते रहेंगे, और जैसे ही बात करेंगे तो आपका नंबर वार्म अप हो जाएगा। वार्म अप होने का फ़ायदा यह है कि आपका नंबर जल्दी व्हाट्सएप बैन नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर लिया है, एंड देन उसके बाद में आपको आना है व्हाट्सएप वार्मर के ऑप्शन पर। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपके 2 अकाउंट नेम दिखेंगे, आप 2, 3, 4, 5 कितने भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और जिनके बीच आप कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं उन सारे नंबर को आप आपस में इस तरीके से चेक कर लेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर कुछ प्रीफिल्ड चैट पड़ी हुई है। अगर आपके पास कोई एक्सेल फाइल है या फिर कोई आपके पास टेक्स्ट फाइल है तो आप यहाँ से सेलेक्ट टेक्स्ट फाइल पर क्लिक करके अपनी टेक्स्ट फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई चैट लिस्ट है फर्जी की ऐसे ही, या फिर आप चैट GPT से जा करके क्रिएट करके वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी इसमें कुछ बहुत सारा डेटा भरा पड़ा हुआ है, हम इसको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आप डिले सेट कर सकते हैं कि कितनी देर में मैसेज आपका जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया कि 4-7 सेकंड के बीच ये कम्युनिकेशन होनी चाहिए। स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, क्लिक टू इनिशिएट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक टू इनिशिएट पर क्लिक करेंगे आपके दोनों विंडो ओपन हो जाएंगे। अगर आपने 3 लिए थे तो 3 विंडो ओपन हो जाएंगे। तो जैसे ही ये दोनों व्हाट्सएप यहाँ पर लोड हो जाते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कैसे ये कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। तो एक बार ये जल्दी से लोड हो जाए। सो यहाँ पर हमारी ब्राउज़र विंडो लोड हो गई है। देन इसके बाद में हम लोग यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक करेंगे आपको हम चैट दिखाते हैं। जैसे ही चैट स्टार्ट होती है यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, एक ये नंबर से चैट हो रही है एंड इस नंबर से हो रही है, ये देखिए। तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक मैसेजेस जाते रहेंगे। ये देखिए यहाँ से मैसेज सेंड हो रहा है टाइप करके, और दूसरे नंबर पर मैसेज जाएगा, फिर दूसरे से आई नीड अ जॉब करके, ये जो भी चैट हमने डाल रखी ये ऑटोमेटिक आपस में कम्युनिकेशन होती रहेगी। अब ये 4 से 7 सेकंड का डिले लेगा क्योंकि हमने वो ऑलरेडी सेट कर रखा था, और इस डिले के बीच आपके मैसेजेस इस तरीके से जाते रहेंगे। सो देखिए यहाँ पर मैसेजेस जा रहे हैं, मैसेज रिसीव हो रहे हैं। तो ये इस नंबर पे आप आ गए, स्विच कर गया 1 पे, यहाँ से आप टाइप हो गया मैसेज, यहाँ से जाएगा। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, और इस तरीके से आप अपने नंबर को वार्म अप कर सकते हैं। मल्टीपल नंबर हैं आप, उनको आप वार्म अप कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद अपनी व्हाट्सएप मार्केटिंग को आप और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि WA सेंडर सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे हम मल्टीपल फ़ोन नंबर्स और ईमेल आईडीज कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट से। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको WA सेंडर सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है डबल क्लिक करके। अगर आपने अभी तक इस सॉफ्टवेयर को बाय नहीं करा है तो नीचे आपको जो नंबर दिया जा रहा है आप इस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट vendsoftwares.com पर विजिट करके इस सॉफ्टवेयर को बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है
वेबसाइट, ईमेल, मोबाइल एक्सट्रैक्टर। स्टार्ट नाउ पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, आप अपनी यहाँ पर मल्टीपल वेबसाइट की यूआरएल्स को डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर एक यूआरएल आपको डाल के बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक यूआरएल डाल दी, उसके बाद में आप यहाँ पर डीप चेक डेप्थ डाल सकते हैं, 30-40 मतलब आपको कितना डेटा कलेक्ट करना है उस वेबसाइट पर, जितने भी डेटा होंगे आप कितने लेवल तक कलेक्ट करना चाहते हैं ये आप डाल सकते हैं। और सिंपल आप स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको ईमेल आईडीज कलेक्ट होकर के, यहाँ पर 3 ईमेल आईडी इस वेबसाइट पर पड़ी हैं, तीनों मेल आईडी यहाँ पर आ गई और यहाँ पर एक मोबाइल नंबर आपको निकाल के दे दिया है इसने। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मोबाइल नंबर को एक्सपोर्ट करके एक्सेल फाइल में ले सकते हैं और इसी तरीके से सेम आप यहाँ से अपना ईमेल आईडीज को एक एक्सेल फाइल में ले सकते हैं। बाद में आप इस पर ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग या फिर आपको कॉल वगैरह करना है तो इस पर आप आसानी से इस डेटा पर मार्केटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह के व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, एसएमएस मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, सीआरएम सॉफ्टवेयर या फिर हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर आप इनको एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप जा सकते हैं ventsoftwares.com पर। ventsoftwares.com पर आपको काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स देखने को मिलते हैं। आप यहाँ से जा करके इन सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं ऑटोमेटिक ईमेल पर आपको डिलीवरी आ जाती है इंस्टेंट। तो यहाँ पर जा करके आप उन सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करके बाय कर सकते हैं। Thank you so much. Wish you all the best. Fearless.